18वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। हालांकि सरकार बनाने में कामयाब रही, मगर सीटें क्यों कम हुई, किस समुदाय ने कितना भरोसा बीजेपी और एनडीए पर किया, चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटिंग का पैटर्न क्या रहा, बीजेपी को मुस्लिम समुदाय से कितने वोट मिले, इस पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट बताते हैं। मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न, बीजेपी को कितने मुस्लिमों का मिला साथ। आम चुनाव के परिणाम आए 10 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं और चुनाव परिणाम का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। चुनाव के दौरान सभी वर्गों को साधने के लिए सियासतदान जुटे थे और अब तक देखा जा रहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट देने से कतराते रहे। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक महज 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। 11% गरीब मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, जबकि उच्च वर्ग यानी अशराफ में ये संख्या 12% तक थी। निचले तबके के 7% मुस्लिम बीजेपी को वोट देते नजर आए, वहीं मध्यम तबके के 5% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। अमीर मुसलमानों में संख्या करीब 6% तक ही थी, जबकि OBC यानी पसमांदा में संख्या 5% तक रही। यह आंकड़ा ना के बराबर है, फिर भी उन महत्वपूर्ण कारकों को खोजने की जरूरत है जिनके कारण मुसलमानों के एक वर्ग ने इस चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को वोट दिया है। CSDS लोकनीति पोल सर्वे 2024 के मुताबिक 2024 में मुसलमानों के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति सीधी थी। बीजेपी के घोषणा पत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोई चुनावी वादा नहीं था। बीजेपी के लिए मुस्लिम समर्थन एक राज्य केंद्रित घटना है। गुजरात में बीजेपी को करीब 29% मुस्लिम वोट मिले। यूपी में बीजेपी को महज 2% मुस्लिम वोट मिला। राष्ट्रीय स्तर पर करीब 12% अशराफ मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। पार्टी को केवल 5% OBC मुस्लिम वोट मिले। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 11% गरीब मुसलमानों ने वोट दिया, 6% अमीर और संपन्न मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। भले ही कम मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया हो, मगर CSDS लोकनीति के सर्वे से पता चलता है कि गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों ने मोदी सरकार को पसंद किया। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं किसी न किसी तरह से गरीबों को प्रभावित करती हैं। गरीब मुसलमानों का वोट हासिल करने में बीजेपी सफल रही। हालांकि चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मुसलमानों को लेकर कई सारे कार्यक्रम भी चलाए थे। आम चुनाव के प्रचार की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के मोदी भाईजान के नाम से कार्यक्रम से हुई। ऐसा माना जा रहा था कि गुड गवर्नेंस के नाम पर पारदर्शी तरीके से मुस्लिम इलाकों में योजनाओं का लाभ देने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को वोट के रूप में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना केवल मुसलमान बल्कि हिंदू वोटर में भी विपक्ष सेंध लगाने में सफल रहा। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक ऊंची जातियों के हिंदू वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया। पिछड़े और दलित जातियों के वोटर्स ने भी बीजेपी को कम वोट दिए। ऊंची जातियों को एनडीए ने 31.3% टिकट दिया। एनडीए के सांसदों की संख्या 33.2% ऊंची जातियों में से है। ओबीसी जातियों से एनडीए ने 25.5% टिकट दिया। एनडीए के ओबीसी सांसद 26.2% है। इंडिया ब्लॉक के पास दलित सांसद 15% आबादी से ज्यादा 17.8% है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि विपक्षी नेता, खासकर राहुल गांधी ने संविधान के खिताब के जरिए जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, वो काफी हद तक सफल रहा। पिछड़े खासकर दलित वर्ग बीजेपी से दूर होता दिखा। विपक्ष के नैरेटिव को दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों ने सही माना। ऐसे में यही लग रहा है कि जहां मुसलमान समुदाय खामोशी के साथ वोट कर चौंकाता नजर आया, तो विपक्ष ने अपनी बात को दलित और पिछड़ों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।